ये पीछे को लग के तो दे देना ओ बच्चेरा सीधे देखो सामने देखो द्वारा किया गया और इसके लिए मेरे द्वारा इस पूरी पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम ये मोबाइल ही तो लाइट आ रही ये थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर सूचना पर दो गाड़ियां बड़ी गाड़ियां पकड़ी गई हैं जिसमें एक ट्रक है और एक कैंटर है। इसमें एक ट्रक में करीब करीब 7,000 के लगभग रॉयल स्टेक के अड्डे पकड़े गए हैं, बोटल्स पकड़ी गई हैं और जो कैंटर है उसमें करीब 10,000 के लगभग पौवे हैं जिनकी पेटियां इसमें हैं, ये भी रॉयल स्टेक का ब्रांड है। इनके पास से एक तमंचा चाकू बरामद हुआ है और ये दो गाड़ियां जो एक बड़ा 10 टायर ट्रक है और एक कैंटर है ये बरामद हुआ। इसमें स्पेशल बात यह है कि इसके जो ट्रक है इसके अंदर इन्होंने एक गुप्त बॉक्स बना रखा है जो ड्राइवर सीट की तरफ से जाता है और उसके अंदर सारी पेटियां भरी हुई थी और बाकी प्लाईवुड भरा हुआ था। ई वे भी इसका प्लाईवुड का है और जो कि गलत सामान भरा होने के कारण खुद ही फर्जी साबित हो जाता है। इसके लिए इन पर 470, 68, 71 सभी धाराएं इन पर लगाई गई हैं। ये जो माल बरामद हुआ ये लगभग 25 लाख रुपये का माल है और मेरे द्वारा इस टीम को 10,000 रुपये का इनाम जिसके द्वारा बरामदगी की गई है उसके द्वारा दिया गया है। सर पूछताछ में बताया वो कहाँ से लाए थे और कहाँ देना? देखिए पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है ये सब शराब जो है वो बाहर के प्रदेश की है और गलत उस पर बिहार की और गलत बिल बनाकर ये लेके आए गए थे प्लाईवुड के बहाने और ये वहाँ की और यहाँ की उसमें अंतर है। यहाँ पर हमारे प्रदेश में ये बिकनी प्रतिबंधित है इसी और इस प्रतिबंधित शराब के कारण ही ये इसको पकड़ा गया है। देखिए बहुत सारी जो गतिविधियां हैं पुलिस द्वारा आजकल चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए की जा रही हैं। जैसे भी आपने देखा कि अवैध असलाहों के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाया गया था जिसमें शस्त्र फैक्ट्री बड़ी 3 शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई थी और करीब 100 के आसपास 3 दिन में असलाह पकड़े गए थे। उसी तर्ज पर ही शराब के विरुद्ध भी अभियान चलाया जा रहा है और इसमें आज ये बड़ी रिकवरी हुई है और लगातार ये अभियान जारी रहेगा। अभी इनसे ये भी लिंकेज पूछना है कि ये कहाँ किसके इशारे पर ये और कहाँ एकत्रित करने के लिए ये लोग शराब ले जा रहे थे।